स्वागत है आपका टुडे करंट अफेयर्स में। शुरू करते हैं आज का प्रश्न, नीट यूजी 2024 परीक्षा के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय लिया? ए. परीक्षा रद्द करने से इनकार कर दिया। बी. पुनः परीक्षण का आदेश दिया गया। सी. परीक्षा तिथि स्थगित कर दी गई। डी. परीक्षा रद्द कर दी गई। आंसर ए. परीक्षा रद्द करने से इनकार कर दिया। एक्सप्लेनेशन, सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी 2024 परीक्षा रद्द करने या दोबारा परीक्षा कराने का आदेश देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि अभी तक कोई ऐसा सबूत नहीं मिला है जिससे ये पता चले कि प्रश्न पत्र बहुत बड़े पैमाने पर लीक हुआ हो जिससे परीक्षा की विश्वसनीयता खत्म हो गई हो। ये निर्णय भारत भर के सरकारी और निजी कॉलेजों में स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया 24 जुलाई 2024 से शुरू करने की अनुमति देता है। अगला प्रश्न, वित्त वर्ष 2024-25 के लिए नई आयकर व्यवस्था के तहत वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए नई स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या है? ए. 50,000 रुपए। बी. 60,000 रुपए। सी. 75,000 रुपए। डी. 90,000 रुपए। आंसर सी. 75,000 रुपए। एक्सप्लेनेशन, नई आयकर व्यवस्था के तहत वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपए से बढ़कर 75,000 रुपए हो गई। साथ ही 5% कर दर के लिए कर स्लैब की सीमा को 5,00,000 रुपए से बदलकर 7,00,000 रुपए कर दिया गया। अगला प्रश्न, हंगरी ग्रैंड प्रिक्स में फॉर्मूला 2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय ड्राइवर कौन बने? ए. नारायण कार्तिकेयन। बी. कुश मैनी। सी. अर्जुन मैनी। डी. जेहान दारूवाला। आंसर बी. कुश मैनी। एक्सप्लेनेशन, भारत के कुश मैनी ने हंगरी ग्रैंड प्रिक्स में अपनी पहली फॉर्मूला 2 स्प्रिंट रेस जीती जब शुरुआती विजेता रिचर्ड वर्शूर को तकनीकी उल्लंघन के कारण अयोग्य घोषित कर दिया गया। पोडियम फिनिश के शीर्ष पर पहुंचने के बाद 23 वर्षीय इनविक्टा रेसिंग ड्राइवर ने अपने सीजन टैली में 10 अंक जोड़े। इस जीत के साथ मैनी ने फॉर्मूला 2 ड्राइवर स्टैंडिंग में मर्सिडीज के जूनियर ड्राइवर किमी एंटोनेली को पीछे छोड़ते हुए 66 अंकों के साथ P8 पर जगह बनाई। अगला प्रश्न, किस देश ने विश्व का पहले कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन का अनावरण किया? ए. जापान। बी. जर्मनी। सी. फ्रांस। डी. चीन। आंसर डी. चीन। एक्सप्लेनेशन, चीन ने विश्व की पहली कार्बन फाइबर ओनली पैसेंजर ट्रेन का अनावरण किया है जो हाई स्पीड रेल तकनीक में एक महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाता है। कार्बन फाइबर ट्रेन पारंपरिक ट्रेनों की तुलना में काफी हल्की है जो प्रदूषण को कम करने में योगदान देती है। इसे पारंपरिक स्टील ट्रेनों की तुलना में 7% कम ऊर्जा की खपत करते हुए अधिक ऊर्जा कुशल होने के लिए डिजाइन किया गया है। ये ट्रेन 87 मील 140 किलोमीटर प्रति घंटे की गति तक पहुंच सकती है। अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने निर्माण श्रमिकों के अस्थायी आवास के लिए श्रमिक बसेरा योजना शुरू की है? ए. कर्नाटक। बी. गुजरात। सी. राजस्थान। डी. महाराष्ट्र। आंसर बी. गुजरात। एक्सप्लेनेशन, गुजरात सरकार ने 18 जुलाई को श्रमिक बसेरा नाम से एक नई योजना शुरू की है जिसके तहत निर्माण कार्यों से जुड़े मजदूरों के लिए एक अस्थायी घर उपलब्ध कराया जाएगा। श्रमिकों को इसके लिए 5 रुपए प्रति रोज के हिसाब से किराया चुकाना होगा। इसके अलावा उन्हें कम कीमतों पर खाना भी उपलब्ध कराया जाएगा। श्रमिक बसेरा योजना को गुजरात के 4 शहरों अहमदाबाद, गांधीनगर, वडोदरा और राजकोट में शुरू किया जाना है।